हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत राजकेतन। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एनआरके। तो आज की इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप के न्यू फीचर के बारे में बताने जा रहा हूं, व्हाट्सएप क्यूआर, जिसका यूज करके आप किसी के भी नंबर को बिना सेव किए उसे मैसेज कर सकते हैं। और क्यूआर के अलावा आपको एक लिंक भी मिलेगा जिसे आपको बस अपने फ्रेंड को शेयर करना है और वो उस लिंक पर क्लिक करके आपको आसानी से मैसेज कर सकता है। तो ये आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं और वो उस लिंक पर क्लिक करके आपको आसानी से मैसेज कर सकता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, क्यूआर को अच्छे से जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि अगर आपका क्यूआर किसी थर्ड पर्सन के पास चला गया तो वो आपको मैसेज कर सकता है और आपका नंबर उसे मिल जाएगा। तो इससे कैसे बचें ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। तो क्यूआर के ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको जाना है अपने सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने नाम के बगल में एक क्यूआर का आइकन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और ये मेरा क्यूआर मेरे सामने आ जाएगा। और यहाँ पे आपको एक शेयर का आइकन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मैसेंजर, कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ, तो मैं चलता हूँ इंस्टाग्राम डायरेक्ट में और यहाँ से मैं किसी के भी यूजर नेम को सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने इस बंदे को सेंड कर दिया और फिर मैं आप इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। तो मैंने इस बंदे को सेंड कर दिया और मैं यहाँ से इसके मैसेज को ओपन करूँगा, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा क्यूआर इससे सेंड हो चुका है और मेरा नंबर भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बस यहाँ क्यूआर है और मेरा नाम है। तो मैंने जिसे भेजा है उसे अगर मुझे मैसेज करें तो उसे क्या करना होगा, उसे बस इसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। तो व्हाट्सएप ओपन करने के बाद जाना है कॉन्टैक्ट्स में, और कॉन्टैक्ट्स में जाने के बाद आपको न्यू कॉन्टैक्ट के जस्ट बगल में आपको दिख जाएगा यहाँ क्यूआर का एक आइकन, तो और आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्कैन क्यूआर का भी ऑप्शन है, तो आपको जाना है स्कैन क्यूआर कोड में और फिर यहाँ से आपको गैलरी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और गैलरी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपने जिस क्यूआर का भी स्क्रीनशॉट लिया था आपको बस उसे सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये ऐप लोडिंग होगा और आपके सामने उस बंदे का चैट खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने उसका चैट ओपन हो चुका है। तो क्यूआर के बारे में आपको एक और भी चीज़ बता देना चाहूँगा कि जब आप इस क्यूआर को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भेजते हैं तो आपके सामने एक लिंक भी आता है, और उस लिंक का यूज करके आप किसी को भी आसानी से मैसेज कर सकते हैं। तो मैं इससे पहले अपने किसी के व्हाट्सएप फ्रेंड को या टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ, तो मैं यहाँ से व्हाट्सएप सेलेक्ट करता हूँ और व्हाट्सएप सेलेक्ट करने के बाद मैं किसी को भी यहाँ से सेंड कर देता हूँ। तो सेंड करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे एक लिंक भी आ चुका है। तो आपको क्या करना है, बस इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आप किसी को भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे उसको जाके उसके चैट में भेज सकते हैं, और फिर उसे बस आपके लिंक पे क्लिक करना होगा और वो आपको बहुत ही आसानी से मैसेज कर सकता है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐड एज कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिंक को पेस्ट करता हूँ और सेंड कर देता हूँ किसी को भी। और सेंड करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो वो जैसे इस लिंक पर क्लिक करेगा उसके सामने व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे शो कर देगा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट फाउंड, तो वो यहाँ से ऐड करके आपके नंबर को बहुत ही आसानी से सेव कर सकता है। ये सारा चीज ऑटोफिल हो चुका है, बस उसको सेव पे क्लिक करना है, और वो जैसे ही वहाँ से सेव पे क्लिक करता है उसके सामने आपका चैट बॉक्स खुल जाएगा और फिर यहाँ से वो आपको आसानी से मैसेज कर सकता है और नंबर भी ऑलरेडी अब सेव हो चुका है। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप भी बहुत ही काम का फीचर है, इसे आप यूज करके देखिए। और तो अब आपको व्हाट्सएप पे किसी भी न्यू पर्सन को मैसेज करने के लिए ज्यादा नहीं सोचना होगा, आपको बस उसे बोलना है भाई क्यूआर दे दे या लिंक दे दे अपना, और फिर वो जैसे ही क्यूआर या लिंक देता है आपको उस पर क्लिक करना है या क्यूआर को स्कैन करना है और आपके सामने उसका चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप वहां से उसको बहुत ही आसानी से मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक और भी चीज बता देना चाहूंगा कि आपने इस क्यूआर को किसी को सेंड किया और वो चाहे तो आपका क्यूआर किसी को और को सेंड कर दे, या किसी भी तरीके से किसी थर्ड पर्सन को आपका क्यूआर या आपका लिंक मिल गया, तो वो आपको आसानी से मैसेज कर सकता है और अल्टीमेटली आपका नंबर उसके पास चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप किसी को अपना क्यूआर दिया तो आपको जाना है फिर से क्यूआर के ऑप्शन में, जब वो उस बंदे ने आपका क्यूआर को यूज कर लिया तो फिर आप यहां से उस क्यूआर को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट क्यूआर का ऑप्शन आएगा और आप यहां से क्यूआर को रीसेट कर सकते हैं। तो रीसेट करने के बाद ये आपका पुराना वाला क्यूआर काम करना बंद कर देगा, और जब कोई भी आपके उस पुराने क्यूआर को स्कैन करेगा या उस पुराने लिंक पे टैप करेगा तो उसके सामने आएगा नो कॉन्टेक्ट फाउंड। तो फ्रेंड्स, है ना ये बहुत ही काम की फीचर, तो आप ही जाइए अपने व्हाट्सएप को अपडेट करिए और ये व्हाट्सएप के क्यूआर को एक बार ट्राई करिए कि कैसे वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक और ये रहा मेरा फेसबुक का लिंक, तो आ जाओ सारे। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट छोड़ो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और उसे भी बताओ कि व्हाट्सएप में क्यूआर का फीचर आ चुका है। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑलवेज कीप अ स्माइलिंग।